बहुत अच्छा वो ऑडियो का सोल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें पूरे वीडियो में मैंने एक जगह बहुत बेहतरीन इसका सोल्यूशन बताया कि मैंने क्यों एक आईसी पे काम किया और मेरा काम हो गया। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। आपने अगर हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि जो आपको स्टेट टेलीकॉम में मिलेगा वो शायद और कहीं ना मिले। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप एसर टेलीकॉम में ज्वाइन करते हैं। बहुत लेटेस्ट चीज़ सिखाऊंगा, ऐसे बोर्डों पे भी काम कराऊंगा। लेकर आना बोर्ड, वन प्लस बोर्ड लेके आना, इसका ग्लू कटवाऊंगा, बोर्ड आप लेके आना और लाइक जरूर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब ने डिसलाइक तो हटा दिया है अभी क्या हेटर्स तो डिसलाइक नहीं कर पाएंगे, पर लाइक करके जाओ। अब हेटर्स से भी लूंगा, लाइक कर दे भाई, सीखने को मिल जाएगा कुछ। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है ये। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। और रात का समय है, क्लासेस चल रही है। आई होप आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, फेसबुक पर जाकर एसर टेलीकॉम सर्च कीजिए, आपको मिलेगा एसर टेलीकॉम लाइव। 3 बार 4 बार पता नहीं कितनी बार डेली हर एक क्लास को लाइव बता रहे। हो सकता है बहुत सारा कॉन्टेंट फ्री भी आप सीख सकते हैं। तो ये वीडियो है OnePlus 6। इसमें देखिए मेरे पास एक सेट है और यहाँ पर इस पर ऑडियो नहीं वर्क कर रहा है, तो हम इसको पहले ऑडियो आपको सुनाते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसका ऑडियो पे जाऊँ, साउंड आप देख सकते होंगे, और आप देखिए कोई भी यहाँ पर, और जबकि पीछे पूरा ये पैक है, सिर्फ PCB ऊपर से है, तो ये जो रिंगर है ये हमारा पैक है। और क्योंकि एक आप एसर टेलीकॉम से साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत कुछ मिलना भी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास में कोई भी सेट आता है और आप अगर रिंगर नहीं बजता है तो आप उसका माइक भी चेक करो, और ईयरफोन जो भी हो सकता है वो चेक करो। तो मैं इसका माइक चेक करता हूँ, तो इसका माइक चेक करेंगे रिकॉर्डर से। तो आप देखिए रिकॉर्डर ओपन करके रखा हुआ है, और रिकॉर्डर जब मैं प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसका जो मेन कंट्रोलर है ऑडियो, तो जो मॉड्यूलेटर है वो ख़राब हो चुका है। तो हम इसके डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाएंगे, और अब देखिए तो ये नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, और सॉन्ग्स भी प्ले नहीं कर रहा है। आप देखिए ये बात है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप एसर टेलीकॉम में ज्वाइन करते हैं। बहुत लेटेस्ट चीज़ सिखाऊंगा, ऐसे बोर्डों पे भी काम कराऊंगा। लेकर आना बोर्ड, वन प्लस बोर्ड लेके आना, इसका ग्लू कटवाऊंगा, बोर्ड आप लेके आना, ग्लू हम कटवाएंगे। तो बेसिकली ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका ऑडियो हम चेक करते हैं। पहले इसका ऑडियो इसमें लगा है क्वालकॉम का प्रोसेसर, और इस पर जो ऑडियो IC है तो वो IC को हम चेंज करेंगे। मेरे स्टूडेंट जानते होंगे कि इसमें ऑडियो IC सबसे पहले कौन सी ढूंढनी है, मैंने बताया है। अगर पहले नंबर पे वो नहीं मिली तो दूसरे नंबर पे, नहीं तो तीसरे नंबर पे। 3 ऑडियो IC क्वालकॉम में आती हैं, अगर पहली नहीं हुई तो दूसरी नहीं हुई तो तीसरी। और वहाँ पर लिंक है फेसबुक की, सीधे जाओ और वहाँ पर लिंक ओपन करो। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई भी रिंगटोन नहीं बज रही है, क्योंकि और यहाँ पर हर चीज़ लगी हुई है पर रिंगटोन नहीं बज रही है। तो चलो देखते हैं, और लाइक ज़रूर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब ने डिसलाइक तो हटा दिया है अभी क्या हेटर्स तो डिसलाइक नहीं कर पाएंगे, पर लाइक करके जाओ। अब हेटर्स से भी लूँगा, लाइक कर दे भाई, सीखने को मिल जाएगा कुछ। तो सबसे पहले हम बोर्ड को ओपन कर लेते हैं।
ये हमने बोर्ड को ओपन करके रखा हुआ है और ये हमारी पीसीबी है। मैं इसमें बताना चाहूंगा, मैं ऑलरेडी इसका जो ऊपर की सील है वो निकाल के रखा हूं। तो इधर जो मेरा ऑडियो आईसी है वो ये है, ये फुल ब्लैक पेस्टेड ऑडियो आईसी है, आप देख सकते हैं। और ये है 9341 इसका मॉडल नंबर है। तो मैं इस आईसी को निकालता हूँ। मेरे को ध्यान रखना इसके पीछे क्या है। तो क्या इसके पीछे कोई ऐसा सेक्शन नहीं है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और इसका सीपीयू और यूएफएस सब यहाँ लगा हुआ है। तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिए मैंने इसकी ऑलरेडी आईसी पहले से निकाल कर रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ। तो मेरे पास इसका एक और बोर्ड था दूसरा, तो आप देखिए हमने इससे निकाल के रखी हुई है। तो अब हम इसको सिर्फ निकाल के उसको फिट करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट बनता है कि नहीं बनता है। अगर आप भी ऐसा ब्लैक पेस्टेड पे काम करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि डायरेक्ट फॉल्ट भी ढूंढ लें और जो फॉल्ट डायरेक्ट नहीं हो सकते उसको ट्रेस करके ढूंढ लें, तो आप इसे टेलीकॉम को ज्वाइन करें क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Thank you.
तो उसको देखिए, तो उसका साउंड बज रहा है और माइक भी चेक करवा देता हूं मैं। देखिए पहले ये रिकॉर्डर जब मैं इसको चेक कर रहा था तो ये बटन, जब मैं इसको चेक कर रहा था और ये बटन दबा रहा था तो ये होल्ड हो जा रहा था। अब देखिए, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। अब देखिए ये सेव भी हो रहा है, मैं इसको सेव करूं और उसको चेक करूंगा। ये देखिए, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। और अगर मैं, क्योंकि मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है तो यहां पर एशिया टेलीकॉम, तो आपने अगर हमारे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, आपने अगर हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि जो आपको एशिया टेलीकॉम में मिलेगा वो शायद और कहीं ना मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एक वीडियो आपके लिए जिसमें एक हाइड सोल्यूशन छुपा के रखा हुआ है। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो पूरा देखना, क्योंकि बहुत अच्छा ऑडियो का अगर आपने एक बहुत अच्छा ऑडियो का सोल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें पूरे वीडियो में मैंने एक जगह बहुत बेहतरीन एक सोल्यूशन बताया कि मैंने क्यों एक आईसी पे काम किया और मेरा काम हो गया। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। सर मैं लाइव पावर आईसी किया, सीपीयू किया। जब सीपीयू किया तो एक अंदर आए मतलब सर? हाँ सर, एकदम बढ़िया है। इन्हें सीपीयू करवा दिया, ये तो है मतलब। हाँ सर, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डबल लेकर। यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव सीपीयू और पावर आई सी, और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डेकर। हाँ सर, डिसिप्लिन सब चीज़ है सर, यहाँ पे जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में, जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल। अच्छा, लाइव क्या किया? या सर लाइव मैंने सीपीयू लगाया, पावर आई सी लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर, कि बोर्नियो ने आधा दूरा कान दे। हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। वो भी बताया था कि नहीं बताया थे? आप स्टूडेंट खाते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने पीसीबी पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल, कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गए आप? सर डबल डेकर किया था। मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी आईसी पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव सीपीयू भी लगाया, आईसी पे भी लाइव काम, पावर आईसी पे काम और आईसी पे। लास्ट डे क्या करके गए? डबल डेकर। डबल डेकर मैं जानना चाहता हूँ, लास्ट डे क्या करके गए आप? सर लास्ट डे डबल डेकर किया। डबल डेकर राहुल राज, लास्ट डे डबल डेकर करके गए। बताओ कि लाइव क्या करके गए? सर लाइव 4G सीपीयू निकाला, पावर आईसी बनाया उसको। हां सर, एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर, आपने तो तीन टाइम किया ना उसको निकाल के। हां हां, मेरे वो ब्लैक पेस्टेड फोन था वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। मैंने दिखाई आप क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किए, ईएमसी है, ईएमसी लाइव पावर सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? सीपीयू टोटल लगाया, टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल टेकर। डबल टेकर की तो आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से। Yes sir, आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? लाइव डुअल डेकर आपका लास्ट डे डुअल डेकर किया। हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू। और
इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिवॉल्व करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you.